बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये तोरण डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गांठ लगाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे तीन चैन, पांच चैन लेंगे यहाँ, पांच। सिंगल क्रोशिया फिर पांच चैन, चार पाँच, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, और ये यहाँ जोड़ेंगे इस तरह से, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, फिर इसी में तीन डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा, एक दो तीन चार पाँच, फिर हम पांच चैन लेंगे यहाँ, एक दो तीन चार पाँच, सिंगल क्रोशिया, फिर पांच चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरह से हमें बनाना है, पांच बार ये करना है, फिर पांच चैन लेकर ये बनाना है, फिर इधर भी ऐसे ही बनाना है। तो ये पहला लाइन ख़त्म हो गया है बना के। उसको हम घुमा लिए हैं, फिर पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच चैन लेना है, इसमें जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से, इतना है इसमें जोड़ना है, फिर पांच, इसमें जोड़ना है। तो ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, फिर पांच चैन लेंगे हम, एक दो तीन चार पांच,
फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे पहले डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से अब इसमें हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे, दो तीन, तो ये तीन के ऊपर तीन लिया और तीन बीच में लिया तो छः हो गया डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर मुझे यहाँ छः डबल क्रोशिया करना है, छः डबल क्रोशिया करेंगे इधर। इस तरह से बनाना है, फिर पांच चैन, और हम यहाँ जोड़ेंगे। जैसे मैं पहला बनाई हूँ उसी तरह से इसको भी बनाना है। इस तरह से चैन करते हुए जाएगा, पांच था फिर चार फिर तीन, तो पांच पांच चैन हमेशा लेना है हर हर जगह। तीन डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन लेना है और यहाँ फिर तीन डबल क्रोशिया। यहाँ तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक दो तीन, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये तीसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया है, ये तीसरा लाइन है, अब चौथा शुरू करेंगे। दो तीन सिंगल क्रोशिया करेंगे, चैन के बीचों बीच लाएंगे, फिर चैन बनाएंगे, पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, ये दो हो गया है, फिर पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाना है। तू पागल है, फिर यहाँ दो चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन,
तीन डबल क्रोशिया करना है, बीच में हमेशा तीन चैन और तीन तीन डबल क्रोशिया रहेगा। इस तरह से तीन इधर डबल क्रोशिया, तीन उधर, बीच में तीन चैन। दो चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, तो ये इस तरह से बना है। ये तीन लाइन सीधा जाएगा, ये जाएगा, ये बढ़ते हुए जाएगा, एक है फिर दो होगा, बीच वाला भी सीधा ही जाएगा। अब हम यहाँ पांच चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से यहाँ बना लिए, तीन सिंगल क्रोशिया, पांच चैन लेना है। यहाँ तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन और यहाँ तीन डबल क्रोशिया। फिर यहाँ तीन चैन, फिर दो चैन, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, और किनारे तीन डबल क्रोशिया रहेगा। इस तरह से बनेगा। तो हमने ये एक दो तीन चार पांचवा लाइन भी कंप्लीट कर ली। यह सिंगल क्रोशिया बनाना है, दो या तीन सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, पहले वाले डबल क्रोशिया पे तीन डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चैन, फिर एक चैन लेना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया,
फिर दो चैन। अब यहाँ हम तीन चैन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन लेकर फिर तीन चैन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर एक चैन और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया यहाँ, फिर पांच चैन, पांच, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से बनाए हैं। और यहाँ ये वाला जैसे यहाँ बनाए हैं, ऐसे ये बनेगा। तो हमने बना लिया, यहीं से वापस लौटाना है। एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेंगे और तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, एक चैन, फिर एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ चार डबल क्रोशिया हो गया है। फिर दो चैन लेंगे और यहाँ तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन तीन डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, दो चैन किनारे पर रहेगा, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पांच। अब हमें यहाँ नहीं बनाना है, अब सीधे यहाँ बनाना है तीन डबल क्रोशिया पे तरह से। तो इस तरह से बना है। तो अब हम यहाँ दूसरा कलर लगाएंगे, हरा कलर। यहाँ शुरू करेंगे बनाना। तीन चैन लेंगे, फिर तीन चैन लेंगे, तीन तीन चैन लेकर यहाँ जोड़ना है। फिर तीन चैन,
यहाँ तीन चेन लेंगे और इस तरह से फिर सिंगल क्रोशिया से बनाना इस तरह बनेगा। फिर तीन चेन और अब हम यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ दो चैन तीन चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे इस तरह। फिर चैन लेंगे एक चैन, फिर तीन चैन लेंगे फिर एक चैन फिर तीन चैन लेकर बनाएंगे। फिर एक चैन फिर तीन चैन फिर एक चैन एक चैन यहाँ तीन डबल क्रोशिया हम चार चैन लेंगे तरह से। फिर तीन डबल क्रोशिया तरह से बनाएंगे। तो जैसे हम यहाँ से बनाए हैं उसी तरह से यहाँ तक बनाएंगे फिर दिखाते हैं। तो इस तरह हमने बना लिया है। तो हमें इसको छोड़ के इस तरह से बनाना है। यहाँ तीन चैन लेंगे जैसे हम इधर बनाए हैं उसी तरह से वहां पर बनाएंगे।